नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 मई दिन शनिवार। आगे राजनीति जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और कांग्रेस को लेकर किया खुलासा। 2000 के नोटबंदी पर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से किए सवाल। बिहार सरकार ने ऊर्जा स्टेडियम में इस वजह से बीजेपी के कार्यक्रम को किया रद्द। केंद्र सरकार के इस नए अध्यादेश पर केजरीवाल से एक बार फिर छिना यह पावर। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और कांग्रेस को लेकर किया खुलासा। नीतीश कुमार को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा एक बड़ा दावा करते हुए कहा गया है कि नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। भाजपा ने उन्हें जबरन कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने बताया कि जब चुनाव के परिणाम सामने आए तब वे जदयू के प्रदर्शन से थोड़े निराश थे और मात्र विधायकों का नेता बनने के कारण वह मुख्यमंत्री बनने से पीछे हट रहे थे। गौरतलब है कि भाजपा के विधायक अधिक होने के बाद भी भाजपा ने अपने पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री न बनाकर नीतीश कुमार को ही सीएम के पद पर बैठाया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां केंद्र में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बिहार के साथ हमेशा ही खेला करती आई है। बता दें कि जन स्वराज पदयात्रा से पहले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी तक के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। चुनावी रणनीतिकार के बाद वे अब जन स्वराज यात्रा के जरिए खुद के राजनीतिक दिशा को तय करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस विधायक ने बजरंग दल को लेकर कही ये बात। कर्नाटक में बीते विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान बजरंग दल को बैन करने की बात सामने आ रही थी। अब इसकी चर्चा एक बार फिर से होती नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह द्वारा कहा गया है कि केरल में कांग्रेस भले ही बजरंग दल को बैन कर दे लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं करेगी। आगे उन्होंने कहा कि बजरंग दल न तो देश विरोधी दल है और न ही NIA ने उसे बैन करने की बात कही है। बजरंग दल में युवा नौजवान बच्चे हैं, उन्हें समझाया जा सकता है। वहीं केरला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केरला में द केरला स्टोरी फिल्म जैसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने खुद केरल में इस बात को महसूस किया है। बता दें कि लक्ष्मण सिंह एक कांग्रेस विधायक है। जाहिर सी बात है कि उनका यह बयान उनकी पार्टी लाइन से अलग है। जदयू के इस नेता ने बेगूसराय को बिहार से बताया बाहर। एक प्रेस वार्ता के दौरान जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बेगूसराय में लव कुश समाज के मुख्यमंत्री की घोषणा कर टिप्पणी करते हुए कहा कि बेगूसराय में घोषणा करने से क्या होगा। यह घोषणा दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा की जाती तो बात को गंभीरता से लिया जाता। बेगूसराय में गिरिराज की घोषणा का कोई मतलब नहीं है। जब कुशवाहा के इस बयान पर मीडिया ने उनसे सवाल करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह द्वारा की गई यह घोषणा बेगूसराय में क्यों नहीं हो सकती, क्या बेगूसराय बिहार से बाहर है, तो इसके जवाब में उनकी जुबान फिसल गई और उन्हें कहा दिया कि हाँ बाहर है। फिर कुछ ही समय में उन्हें अपने इस बयान का एहसास भी हो गया। आगे उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर कहा कि सम्राट सर पर गमछा बांधकर चलते हैं और कहते हैं कि पगड़ी तभी उतरेगी जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। आगे उन्होंने कहा कि कसकर सर पर पगड़ी बांधने से वह दबाव पड़ता है और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण से वह लव कुश मुख्यमंत्री और अन्य उल्टी सीधी बातें कर रहे। नीतीश भी लव कुश समाज से ही है, इसलिए इस तरह के बात का कोई मतलब नहीं। 2000 के नोटबंदी पर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से किए सवाल। कल देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया कि 2000 रुपए के नोट को अब वापस लिए जाएंगे। केंद्रीय बैंक के इस फैसले पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उन्होंने मीडिया को दे रहे एक इंटरव्यू में सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि सरकार यह बताए कि उसे ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे के रहस्य को सरकार को जनता को बताना चाहिए। आगे उन्होंने नोट जमा कराने के लिए समय सीमा देने को सही कदम बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने इससे पहले ऐसा न करके बहुत बड़ी गलती की थी, वह एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। देश में पहले भी 1000 के नोट बंद किए गए थे लेकिन तब जनता को इस जमा करवाने के लिए समय भी दिया गया है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि मार्केट में बहुत पहले से ही 2000 के नोट गायब हो गए, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन यदि ऐसा हुआ था तो यह जांच का विषय है, इसका जवाब RBI को देना होगा, उसे इसका जवाब देश की जनता को देना चाहिए। बिहार सरकार ने ऊर्जा स्टेडियम में इस वजह से बीजेपी के कार्यक्रम को किया रद्द। पटना के ऊर्जा स्टेडियम के ऑडिटोरियम में बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 मई को होने वाली थी लेकिन बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति को लेकर होने वाले इस बैठक के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग को बिहार सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया।
बिहार सरकार के इस फैसले के बाद सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि हमारा कार्यक्रम हो, वे इतने नीचे गिरेंगे यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं बुकिंग रद्द करने के मामले को लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कैलाशपति मिश्र स्मृति न्यास के नाम पर बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही थी। बता दें कि बीजेपी के अनुसार उनकी यह बैठक और कार्यक्रम कैलाशपति मिश्र को लेकर था, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को ऊर्जा ऑडिटोरियम में किसी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होती। केंद्र सरकार के इस नए अध्यादेश पर केजरीवाल से एक बार फिर छीना यह पावर। अभी कुछ दिनों पहले ही अदालत ने केजरीवाल के पक्ष फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी कर दिया है। बता दें कि 11 मई डीवाई चंद्रचूड़ के अगुवाई में यह फैसला लिया गया था कि पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड को छोड़कर अन्य मामलों में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के ठीक 9 दिन बाद केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के नए सिस्टम को लागू कर दिया है। इस नए सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट 2023 के तहत केंद्र सरकार द्वारा कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया। अभी यह दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामलों को देखेगी। बता दें कि इस अथॉरिटी के प्रमुख तो केजरीवाल ही रहेंगे, लेकिन फैसला बहुमत से लिया जाएगा और अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का होगा। सुशील मोदी के बयान पर नीतीश कुमार ने किया पलटवार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के बयान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि आजकल वह ऐसी चीजें क्यों बोलते रहते हैं। आगे नीतीश ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी सरकार में थी तब जातीय जनगणना का आदेश दिया गया था। सुशील मोदी ने उनकी पार्टी बीजेपी ने कानून के लिए दबाव क्यों नहीं डाला अगर वे इतने आश्वस्त थे कि जातीय जनगणना करवाना जरूरी है। बता दें कि अभी हाल में ही सुशील मोदी ने अपने बयान में मांग करते हुए कहा था कि कानून के माध्यम से जातीय गणना के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसके बाद राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। अब सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को बताया तानाशाह। बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक नया अध्यादेश लाया गया है। इसके तहत एक बार फिर से केजरीवाल के पावर छीन लिए गए हैं। अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पद को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साबित किया है कि वह एक तानाशाह है। वह न अदालत मानते हैं और न ही संविधान मानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। आगे उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे केजरीवाल से इतना डरते क्यों हैं। पूरा देश और दिल्ली देश रही किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया और सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी गई। जनता आपके तानाशाही के खिलाफ जरूर खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट भी निश्चित रूप से इस अध्यादेश पर संज्ञान लेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बीते ही दिनों सम्राट चौधरी ने मोतिहारी के कचहरी चौक स्थित गांधी ऑडिटोरियम सभागार भवन में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और शराबबंदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार ने शराबी बना दिया है। आज के वक्त बिहार में लाखों शराब की दुकानें होम डिलीवरी के तौर पर चल रही हैं, जिसे सिर्फ जदयू के लोग या तो पीते हैं या बेचते हैं। अगर उन्होंने नीतीश को चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश को हिम्मत है तो बीजेपी के लोगों का ब्लड टेस्ट करवा ले और अपने जदयू के नेताओं का भी टेस्ट करवा ले, सब कुछ साफ हो जाएगा। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि गुजरात ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हुए। दो महापुरुष को सब जानते हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भक्ति आंदोलन बड़े बड़े संत और समाज सुधारक हुए, लेकिन अभी वर्तमान समय में गुजरात में चार महापुरुष है, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले। नीतीश के बिहार मॉडल पर चिराग ने उठाए सवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक भी उनके साथ नहीं है। मुख्यमंत्री जाति की बात करते हैं, लेकिन अधिकार देने की बात आई तो वो एकदम खामोश हो गए। वो अति पिछड़ा को विश्वास खो दिए हैं। वहीं विपक्षी एकजुटता के अभियान को लेकर चिराग ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रदेश प्रदेश जाकर विपक्ष के नेता के पास अर्जी लगा रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दे। आगे उन्होंने कहा कि आखिर नीतीश को कोई क्यों प्रधानमंत्री बनाए, उन्होंने बिहार में क्या किया है। नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मोदी पीएम पद के दावेदार बने थे तब वे गुजरात मॉडल को लेकर आए थे। नीतीश कुमार के पास कौन सा मॉडल है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई को दी चुनौती। सीबीआई द्वारा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीबीआई के इस आरोप को ममता बनर्जी और अभिषेक ने चुनौती दी है। चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि यदि सीबीआई के पास उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार के कोई भी सबूत है तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर दे। बता दें कि सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभिषेक पर आरोप लगाए हैं। आज सीबीआई के कलकत्ता स्थित कार्यालय में इस मामले को लेकर पेश होने को भी कहा गया था। 2000 के नोटबंदी को सुशील मोदी ने बताया काले धन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक।
केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है कि अब 2000 के नोट की छपाई नहीं होगी, लेकिन मार्केट में मौजूद 2000 के नोट चलन में रहेंगे। इस नोट को 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करवाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह नोट वैध नहीं रहेंगे। अब केंद्रीय बैंक के इस फैसले पर सुशील मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि काले धन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि मार्केट में इस नोट की डिमांड बहुत कम है। खोए हुए कांग्रेस विधायक कमलनाथ को ढूंढने पर बीजेपी ने बम्पर इनाम की घोषणा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ को ढूंढने के लिए बीजेपी द्वारा दूरबीन रथ निकाला गया। दूरबीन रथ निकालते हुए बीजेपी द्वारा यह घोषणा भी की गई है कि जो भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा इसे बम्पर इनाम दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी का कहना है कि विधायक बनने के बाद कमलनाथ अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बार भी नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ चुनावी मौसम में उन्हें जनता की याद आती है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में एक बार भी वे छिंदवाड़ा के किसी भी गाँव में वे नहीं पहुंची, जनता की समस्या भी नहीं सुनी, न ही उन्होंने कभी भी छिंदवाड़ा का मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया। सम्राट चौधरी ने इस वजह से सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के दोस्ती की चर्चा हमेशा राजनीतिक गलियारों में देखने को मिलती है। अब एक बार फिर से इन दोनों की दोस्ती राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सम्राट चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर भाजपा के लोगों ने कभी नहीं कहा था कि आप कानून बनाओ। आज सुशील जी के बातों पर सरकार की तरफ से बयान आया कि आप कानून बनाओ। आगे उन्होंने कहा कि यदि सुशील जी के कहने पर कानून बनाते हैं तो इन्हीं को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते हैं। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। माधुरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने भेजा, हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन व्यूअर्स द्वारा माधुरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, महेश कुमार, रविशंकर, विजय सिंह और मोहम्मद साकिर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार मॉडल पर चिराग पासवान ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं इस पर आपकी क्या राय है? आप न जाओ, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।